गाइस वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तभी देखिए हम बना रहे हैं पनीर टिक्का मसाला। तभी पनीर टिक्का बनना है, ये देखिए, और ये बन चुका है। मैंने इसे तवे पे ही किया है फ्राई। वैसे तंदूर पे बनाते हैं लेकिन हमारे यहाँ तंदूर नहीं है तो तवे पर ही बनाया हमने। ये देख सकते हैं, ये पनीर, इसमें पनीर, शिमला मिर्च और प्याज के बड़े बड़े टुकड़े काट लिए हैं और उसे तवे पे फ्राई कर रहे हैं। इसमें बेसन डाल के और दही वगैरह डाल करके फ्रिज में रख दिया था थोड़ी देर के लिए, 15 मिनट के लिए। फिर ये अभी देखिए बना रहे हैं पनीर टिक्का, और ये इसकी ग्रेवी बन रही है, पनीर टिक्के मसाले की ग्रेवी। और ये बनना है पनीर टिक्का। तो मिलते हैं आपसे बनाने के बाद। कुछ प्यास लग रही है बहुत, कुछ पीऊंगी। मिलते हैं आपसे। गाइस देख सकते हैं हम बना रहे हैं मूंग की दाल के भजिए। मूंग की दाल के भजिए, गरम गरम भजिए। ये देखिए गाइस तीखे तीखे मूंग की दाल के भजिए बनाए। खाइए आप भी, खाइए आकर के मस्त भजिए, तीखा तीखा मजे आए। हेलो गाइस, तो मैं आपको दिखाती हूँ हमारा नया कूलर। ये देखिए, ये एसी है लेकिन एसी ज्यादा ठंडी हवा देता है इसलिए जुकाम वगैरह हो जाता है वानी को, माँ को, घर में सभी को। तो अभी ये कूलर मंगवाया है, ये देख सकते हैं मेरा न्यू कूलर। इससे हवा भी अच्छी आएगी और बीमार भी नहीं होंगे। एसी की हवा तो वैसे ही नुकसान करती है। जब एसी वैसे तो होती है बरसात के मौसम में, सही रहता है एसी का, जब ज़्यादा उमस होती है मतलब पानी बरसता ना तो अंदर की गर्मी ज़मीन की बाहर आती है तो फिर एसी उसलिए होता है। और अभी ये कूलर मंगवाया है गर्मियों के लिए, अभी के लिए गर्मी तो चल ही रही है। तो ये कूलर, न्यू कूलर है मेरा। अभी 3 कूलर बदल चुके हैं, जो पहले इस अभी थोड़ी देर पहले इससे पहले कूलर आया था उस पर स्विंग नहीं कर रहा था तो चेंज करके फिर दूसरा आया, उसमें भी कुछ थोड़ा डिफेक्ट निकल गया। फिर ये तीसरा आया है तो अभी ये सही है। तो कैसा लगा हमारा कूलर बताइएगा आप लोग। इधर माँ के रूम में भी कूलर, माँ का बिस्तर है, माँ के रूम में भी कूलर लगा है। और ये दिखाते हैं। और ये दीदी के रूम में भी छोटा कूलर है, पंखा है, एसी चल रहा था इसलिए छोटा कूलर लगा था, लेकिन अब वो उधर भी एसी हो गया तो उधर का ये हमारा कमरा, ये कमरा और ये कमरा, ये बैठक और बैठक है। उसके बाद ये बीच से ही दरवाजा है, बैठक के बीच से ही ये दरवाजा है तो दोनों में हवा आती जाती रहती है। वहाँ पे बैठा व्यक्ति यहाँ की हवा ले सकता है और टीवी भी देख सकता है सामने। वहाँ से दिखाते हैं आपको, ये टीवी लगा है और ये बीच का, और ये यहाँ से टीवी भी देख सकते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा कूलर बताइएगा कमेंट्स में। और आज है संडे, और चलिए मिलते हैं अपनी फिश से। फिश आइए दिखाते हैं कितनी फिश है हमारी फिश टैंक में, हमारी कितनी फिशेज है आइए आपको दिखाते हैं। पहले तो मैं बल्ब जलाऊंगी। और आपको पता है ये जो बल्ब है ग्रीन दिख रहा है, ये कई सारे कलर्स का बल्ब है, ग्रीन, येलो, पिंक, व्हाइट, ब्लू, कलर चेंज करता है। मैं दिखाती हूँ आपको, ये रेड, ये ग्रीन, ये ब्लू, ये येलो,
ये देखिए, और ये हमारी मछलियाँ हैं, देख सकते हैं आप, कितनी प्यारी लग रही है ना, लग रही है ना प्यारी। ओ मेरी मछली को नजर ना लगे, ओ नजर लगी थी, लगी थी, लगी थी मेरी प्यारी मछलियाँ। ये है येलो वाली, ये आर्टिफिशियल है, बाकी ये रियल है। अभी थी लेकिन दो चार रही नहीं है, अभी तो पांच है। ये देखिए शार्क वाली, लिटिल शार्क, वो छोटी सी घूम रही है ना लिटिल शार्क, और ये बड़ी है, ये बड़ी शार्क है ये वाली, ये कलरफुल है। तो कैसी लगी हमारी मछलियाँ बताइएगा कमेंट्स में। मुझे थोड़ा सा जुकाम हो गया है, अभी मैंने पानी पी लिया है ठंडा फ्रिज का, इस वजह से मुझे थोड़ा जुकाम हो गया है। तो कैसा लगा हमारा ब्लॉग, प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, प्लीज़ 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 गाइस। और मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, नया ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय 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 बाय। बताइएगा कमेंट्स में हमारा नया कूलर कैसा लगा और हमारा ब्लॉग कैसा लगा।